हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग गोगी सरोज पाल के विषय में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध महिला चित्रकार हैं। परीक्षा में इनसे प्रश्न आने की संभावना बनेगी। तो इनसे सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि ये क्या हैं। ये एक समकालीन महिला चित्रकार हैं। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1945 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में होता है और इनकी मृत्यु अभी हाल ही में होती है, 27 जनवरी 2024 को दिल्ली में होती है। तो हाल ही में मृत्यु होने के कारण ये बहुत इम्पॉर्टेंट कलाकार बनेंगी और इनसे परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी संभावना बनेगी। इसलिए विद्यार्थियों, इनको आप लोग बहुत अच्छे से रीड करिए और लर्न करिए। तो ये क्या हैं? तो ये समकालीन महिला चित्रकार हैं। ये समकालीन महिला चित्रकार हैं। इनका जन्म इम्पॉर्टेंट बनेगा। जन्म इनका कहाँ? 3 अक्टूबर 1945 ईस्वी को होता है। कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। स्थान कौन सा है? एटा नामक जिले के। नियोली नामक गांव में इनका जन्म होता है। सत्ताईस जनवरी 2024 को कहाँ होता है? तो दिल्ली में होती है। इनके पिता का नाम धर्मपाल चाचा का नाम चाचा यशपाल जो क्या है, ये सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी दादी का नाम प्रेमा देवी है, दादी प्रेमा देवी। जो क्या है, ये एक शिक्षिका है, अध्यापिका। और कहाँ है? तो लाहौर के अनाथालय विद्यालय में। लाहौर के अनाथालय विद्यालय में इनकी दादी शिक्षिका हैं। गोगी सरोज पाल जो है, ये विद्रोही स्वभाव की महिला हैं। ये इनका आनुवांशिक है। इनकी दादी प्रेमा देवी एक शिक्षिका लाहौर के अनाथालय विद्यालय में हैं। जिस समय वो विद्यालय में शिक्षिका थे, उस समय वहाँ का
ऐसा था कि उच्च वर्ग की और मध्यम वर्ग की महिलाएं जो है घर से बाहर नहीं निकलती थी, अगर निकलती भी थी तो वो साड़ी पहन करके और उसके ऊपर से 3 मीटर की चादर ओढ़ लेती थी जिससे उनका पूरा शरीर ढक जाए। तो इनकी दादी भी एक दिन बाहर निकली थी और वो साड़ी पहन करके ऊपर से चादर को ओढ़ लेती हैं, और उस समय क्या ऐसा था कि महिलाएं सभी वाहनों से जा भी नहीं सकती थी, वो सिर्फ घोड़ा गाड़ी और तांगे से ही बाहर निकलती थी जो कि ऊपर से ढका रहता था। इनकी दादी जब मार्केट में पहुंचती हैं तो वहाँ कुछ देर तक तो वो चादर को ओढ़े रहती हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वो चादर को हटा देती हैं, और जैसे ही चादर को वो हटाती हैं वैसे वहाँ पे खड़े लोग उनको नंगी नंगी करके संबोधित करने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी दादी जो है चादर को नहीं ओढ़ती। इसको देख करके गोगी सरोज पाल को बड़ा गर्व महसूस होता है अपनी दादी के चादर ओढ़ने के विरोध करने पर। तो ये अपने चित्रों में इसको चित्रित करती हैं और इनकी दादी पे कही गई टिप्पणी को जो है ये अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेती हैं और उसको भी अपने चित्रों में ये चित्रित करती हैं। इनकी प्रसिद्धि किसके लिए है? तो ये चित्रकार हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, संस्थापन कलाकार हैं, और इसके साथ साथ ही ग्राफिक कलाकार हैं। और इसके साथ साथ ये ग्राफिक कलाकार हैं और ये अपने करियर की शुरुआत जो है वो ग्राफिक कलाकार के रूप में ही करती हैं। अपने करियर की शुरुआत ये अपने करियर की शुरुआत एक ग्राफिक कलाकार के रूप में करती हैं, लेकिन जब ये दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लेने जाती हैं तो ये ग्राफिक में ही एडमिशन लेना चाहती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको उसमें एडमिशन नहीं मिलता, तब ये चित्रकला में एडमिशन ले लेती हैं। तो इनकी जो मुख्य प्रसिद्धि है वो चित्रकार के रूप में है। अब इनके ऊपर प्रभाव किसका है, इनके चित्रों पर प्रभाव किसका है? तो यथार्थवाद का है चित्रों पर प्रभाव। यथार्थवाद का है और अति यथार्थवाद का है। दोनों का है, यथार्थवाद का भी है और अति यथार्थवाद का है, लेकिन मुख्य रूप से किसका प्रभाव है? तो अति यथार्थवाद का है। मुख्य प्रभाव जो है वो अति यथार्थवाद का है। इनके अन्य नाम क्या क्या हैं?
इनको पेंटर ऑफ फेमिनिटी के नाम से जाना जाता है। इनको पेंटर ऑफ फेमिनिटी के नाम से जाना जाता है। ये भारत की प्रथम महिला फिलासफर कलाकार हैं। भारत की प्रथम महिला फिलासफर कलाकार कौन है? तो गोगी सरोज पाल। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1945 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में होता है। स्थान कौन सा है? तो एटा नामक जिले के नियोली नामक गांव में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु 27 जनवरी 2024 को दिल्ली में होती है और इनके ऊपर प्रभाव यथार्थवाद और अति यथार्थवाद दोनों का है, लेकिन मुख्य प्रभाव जो है वो अति यथार्थवाद का है। इनके पिता का नाम धर्मपाल है, चाचा का नाम यशपाल है जो कि एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी दादी का नाम प्रेमा देवी है जो कि क्या है, ये एक शिक्षिका हैं, जो कि एक शिक्षिका हैं। कहाँ हैं? तो लाहौर के अनाथालय विद्यालय में। इनकी प्रसिद्धि चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, संस्थापन कलाकार के रूप में और ग्राफिक कलाकार के रूप में है, लेकिन मुख्य प्रसिद्धि इनकी जो है ये चित्रकार के रूप में है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है ग्राफिक कलाकार के रूप में की थी। इनके अन्य नाम, इनको पेंटर ऑफ फेमिनिटी के नाम से जाना जाता है। ये भारत की प्रथम महिला फिलासफर कलाकार कही जाती हैं। अब हम इनके चित्रों की प्रदर्शनी के विषय में जानेंगे कि इन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की। इन्होंने अपने चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी ईस्वी में लखनऊ में आयोजित की। तथा देश विदेश में इन्होंने तीस से ज़्यादा एकल प्रदर्शनी की। तथा 150-150 से ज़्यादा समूहों में प्रदर्शनी की। अब इनको पुरस्कार कौन कौन सा प्राप्त हुआ? पुरस्कार इनको
1980 में संस्कृति पुरस्कार नई दिल्ली में प्राप्त हुआ। संस्कृति पुरस्कार नई दिल्ली में प्राप्त हुआ। 1981 से 82 में ललित कला अकादमी गढ़ी कलाकारों के स्टूडियो की फेलोशिप इनको प्राप्त हुई। '81 से '82 में ललित कला अकादमी गढ़ी कलाकारों के स्टूडियो की फेलोशिप इनको प्राप्त हुई। फिर 1986 से 1988 में 1986 से 1988 में इनको संस्कृति विभाग नई दिल्ली की फेलोशिप प्राप्त हुई। फिर 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी फिर इनको 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी नई दिल्ली में प्राप्त हुई। तो इनके चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ थी? तो प्रथम प्रदर्शनी 1965 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित की तथा इन्होंने देश विदेश में 30 से ज़्यादा एकल प्रदर्शनी की और 150 से ज़्यादा समूहों में प्रदर्शनी आयोजित की। पुरस्कार इनको कौन कौन सा प्राप्त है? तो इनको 1980 में संस्कृति पुरस्कार नई दिल्ली में प्राप्त होता है तथा 1981 से 1982 में ललित कला अकादमी गढ़ी कलाकारों के स्टूडियो की फेलोशिप इनको प्राप्त होती है। 1986 से 1988 में संस्कृति विभाग नई दिल्ली की फेलोशिप इनको प्राप्त होती है और 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी की फेलोशिप इनको प्राप्त होती है। अब हम इनके चित्रों को देखेंगे कि इनके कौन कौन से चित्र हैं। अब हम इनके प्रमुख चित्रों के विषय में जानेंगे कि इनके कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं। इनका प्रमुख चित्र है माँ और शिशु।
जिसको इंग्लिश में कहें तो मदर एंड चाइल्ड, माँ और शिशु, यंग मदर, कामधेनु, हठ योगिनी, आग का दरिया, डांसिंग हॉर्स, डांसिंग हॉर्स, ड्रीम बोर्ड्स, नटी विनोदनी, काली, वंदी, नायिका, माँ और शिशु, यंग मदर, कामधेनु, हठ योगिनी, आग का दरिया, डांसिंग हॉर्स, ड्रीम बोर्ड्स, नटी विनोदनी, काली, बंदी, नायिका और ऑल फ्लावर्स फॉर यू, स्टोरी एंड स्टोरी टेलर, स्टोरी एंड स्टोरी टेलर ये इनके प्रमुख चित्र हैं। अब इन्होंने चित्रों की श्रृंखला कौन कौन सी बनाई थी, चित्रों की श्रृंखला बीइंग अ वुमन, रेड सरयू हैज आइज, इस चित्र श्रृंखला को इन्होंने 1993 ईस्वी में बनाई थी। 1993 ईस्वी में जो सरयू नदी के किनारे दुर्घटना हुई थी उसके विषय में इन्होंने ये चित्र श्रृंखला बनाई थी। और कामधेनु चित्र श्रृंखला भी इन्होंने बनाई, जिसमें एक इच्छा पूरी करने वाली गाय का चित्र बनाकर सिर जो है महिला का बना देती हैं। शीश जो है वो महिला का बना देती हैं। और इन्होंने राहत इंदौरी की गजल से प्रभावित होकर, राहत इंदौरी की एक गजल थी, जितने अपने थे सब पर आए थे, इस गजल से प्रेरित होकर इन्होंने
एक पेंटिंग बनाई। इन्होंने राहत इंदौरी की गजल जितने अपने थे सब पराए थे। इस पर पेंटिंग बनाकर उनको श्रद्धांजलि दी। तो इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? माँ और शिशु, यंग मदर, कामधेनु, हठ योगिनी, आग का दरिया, डांसिंग हार्स, ड्रीम बोर्ड्स, नटी विनोदनी, काली बंदी, नायिका, ऑल फ्लावर्स फॉर यू, स्टोरी एंड स्टोरी टेलर, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। और चित्रों की श्रृंखला इन्होंने कौन कौन सी बनाई थी? तो बीइंग अ वूमन, इन्होंने इसमें महिलाओं के दुख दर्द को चित्रित किया है, तथा रेड सरयू और बीइंग अ वूमन। इस चित्र श्रृंखला में इन्होंने ईसा मसीह जो थे उनकी उनसे तुलना की है कि और कहती हैं कि जिस प्रकार से ईसा मसीह क्रॉस पे जब लटकाए गए तो उनके दुख दर्द को सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो महिलाएं अपने आसपास हैं उनके दुख दर्द को कोई नहीं जानता, जबकि वो हमेशा त्याग ही करती रहती हैं। तो इस चित्र श्रृंखला में इन्होंने इसी को दर्शाया है, स्त्रियों के दुख दर्द को। रेड सरयू है जाए, इसमें सरयू नदी के किनारे जो दुर्घटना हुई थी उसको इन्होंने चित्रित किया है। तथा कामधेनु में इन्होंने एक इच्छा पूरी करने वाली गाय का चित्र बना करके ऊपर से उसका सिर जो है वो महिला का बना देते हैं। इन्होंने राहत इंदौरी की गजल जितने अपने थे सब पराए थे से प्रेरित होकर के क्या उस पर एक पेंटिंग बनाई और उनको श्रद्धांजलि दी। ये थी प्रसिद्ध चित्रकार गोगी सरोज पाल। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और विद्यार्थियों, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।